हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बेतंकुर में। जैसा कि 21 जुलाई आईबीपीएस क्लर्क के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके थे और आईबीपीएस क्लर्क प्री एग्ज़ाम की बात करें तो जब आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हुआ था तो उस कैलेंडर में आईबीपीएस क्लर्क की जो प्री एग्ज़ाम डेट्स मेंशन थी 28 अगस्त, 3 सितंबर और 4 सितंबर थी। लेकिन जब आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में क्लर्क प्री एग्ज़ाम मंथ जो मेंशन था वो सितंबर था। तो सितंबर की एग्ज़ाम डेट्स में ही आपका प्री एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और आईबीपीएस क्लर्क प्री एडमिट कार्ड स्टेटस की बात करें कि कब तक हमें एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है, तो वैसे तो एग्ज़ाम डेट्स के लगभग 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाता है। तो आईबीपीएस क्लर्क का जो प्री एडमिट कार्ड है वो 12 या 15 अगस्त तक आपको देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क तीनों एग्ज़ाम हैं और आई होप सभी स्टूडेंट्स की तीनों एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, कंटिन्यू मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे। अब जिन स्टूडेंट्स ने आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म अप्लाई किया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपने किस स्टेट से अप्लाई किया है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।